दिल्ली NCR के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा अब एक बड़ा सवाल बन गई है। रोहिणी में एक सरकारी स्कूल में हुई चाकूबाजी में 10वीं क्लास के छात्र ने अपने साथी के स्कूल के बाहर चाकू से गोद दिया। छात्र की हालत काफी गंभीर है। मामला रोहिणी सेक्टर 1 अवंतिका के सर्वोदय विद्यालय का है, जहां पर एक छात्र ने आपसी झगड़े में अपने ही एक साथी को चाकू मार दिया। घायल छात्र को दिल्ली के रोहिणी इलाके के अंबेडकर अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। अभी मैं अपने लड़का से मैंने पूछा, थोड़ा सा भी हल्का होश आया फिर तो मैं बोला बेटा मेरे लड़के का अभी ब्लड चल रहा है। बोले क्या हुआ? तो बोले पापा हिमांशु नाम का था, वो वार क्या था, एक करण नाम का था, ऐसा लड़का था और करण को तो जानता हूँ और उसके बाद और लड़का को पहचान नहीं पाया और मैंने चक्कर खा के गिर गया। चक्कू के कितने वार किए? चक्कू के 3 वार है सर। 3 वार है जी सर। तो जब आप अम्बेडकर में आए तो क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले थे। मैंने कहा क्या पोजीशन है? बोले पोजीशन बहुत ख़राब है, बचने का बहुत कम चांस है, इसमें मर्डर करने का कोशिश किया गया और भगवान के इससे बच सकता है नहीं तो मुश्किल है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही छात्र 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। इनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई तो इसको स्कूल के बाहर मारने की धमकी दी और जैसे ही ये गेट के बाहर आया इस पर हमला कर दिया। वहीं यही मामला बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े करता है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।